जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और समाज सेवक भी हैं। जैसे कि बरसात का मौसम आता है, लोग घर गिरते हैं तो उस समय की रहती है। इसी के साथ साथ इन्होंने लॉकडाउन के समय लोगों को तो अपने अस्पताल के माध्यम से और चिकित्सकारी प्रबंध किया था, बहुत सारे लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराई है। और इसी के साथ आज इन्होंने कुछ लोगों को दिहा भी वितरण किया है। तो बात करते हैं जो आज कार्यालय खोला गया है, इसका क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे? कार्यालय में बहुत सारे लोग हैं तो आपको खोलने की ही क्या जरूरत पड़ गई? ये डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं डॉक्टर नसीम मुस्तफाबाद, वार्ड नंबर 16। पिछड़ा हुआ है इसमें गरीब तबके के लोग बहुत ज्यादा है। अब मेरे यहाँ पर लगभग तकरीबन 32 साल हो गए लोगों की खिदमत करते हुए। यहाँ की पॉपुलेशन जो है बहुत गरीब है। इस पर्पज से मैंने यहाँ पर ऑफिस खोला है और मैं चाहती हूँ कि जो खिदमत मैं 32 सालों से करती चली आ रही थी, अब मैं वो खिदमत एक पार्टी के थ्रू पार्टी के जरिए करना चाहती हूँ। क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के साथ में लगे हुए हैं और हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो इसी पर्पज से मैंने ये ऑफिस खोला है ताकि मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकूँ। जी तो मैडम, मेरा सवाल ये उठता है जैसे कि आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे आप समाज की जनता की सेवा करते रहते हैं, सभी समाज की, तो कार्यालय खोलने का क्या उद्देश्य? कार्यालय को खोलने के लिए हमने हमारा एक उद्देश्य है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको पता भी नहीं है कि हमारा क्या हक है और इन्हें हम क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही है उससे संबंधित जागरूक करना, जागरूक करना, यही है ना? यही है हमारा, क्योंकि जो गवर्नमेंट साहब जैसे कि आधार कार्ड वगैरह लिंक कराए जाते हैं, पहचान पत्र है, बूढ़ों की पेंशन है और विधवाओं की पेंशन है, और यहाँ पर जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है गरीब आदमी नहीं करा पाता पैसे की वजह से, तो वो आते हैं निःशुल्क होगा या निःशुल्क के लिए कुछ चार्ज होगा? मैं तो पहले से भी निःशुल्क करती हूँ उन लोगों की खिदमत जो बेवाएं यहाँ पर है, जो गरीब लोग हैं मैं उनकी निःशुल्क पहले से भी करती हूँ। 2000 साल जो है ये जा रही है, रही है, आज 3 तारीख हो चुकी है, तो जनता को क्या संदेश देंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो जनता यहाँ पर रहती है मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को अच्छी सी तालीम दें, क्योंकि यहाँ पर अरविंद जी के खोले हुए स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता को पता चलना चाहिए कि यहाँ जो हमारे बच्चे जो अनपढ़ रहते हैं वो अनपढ़ ना रह करके तालीम पाए, और तालीम इसलिए क्योंकि तालीम हमें बहुत कम बात नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ, तालीम की बड़ी सबसे जरूरत होती है। मैडम ने कहा है कि तालीम के लिए और जनता के हर सुविधा के लिए हमने ये कार्यालय खोला है। यहाँ पर आपने सुना है मैडम ने क्या कहा, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ज्यादा बोलने से आप लोग बोर हो जाएंगे। बहरहाल आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया टीवी और हमारे कई सारे चैनल हैं, सभी साथ सबका तरफ से एक लाइक मैंने मैडम की दी है, तो आप लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैडम जनता के हित में कार्य कर रही है और इन्होंने बेहतर किया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं उषा हाशमी आपके साथ आज मैं आम आदमी पार्टी का ये कार्यालय खुला हुआ मुस्तफाबाद में, और जो यहाँ पर वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है और यहाँ के बीजेपी यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक जी है आज जी उनके जी उनके पास बैठे हुए हैं और आज हम उनसे जानेंगे यहाँ के पहले तो आप बताइए आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय खुला है, इसका उद्देश्य क्या है? डॉक्टर नसीम जी ने जो कि हमारे महिला जिम्मेदार वो पद अधिकारी हैं, उन्होंने जनता की सेवा के लिए इसको खोला है कि जिससे यहाँ बैठ कर वो जनता की जो समस्या है उनको हल कर सकते। आप जैसे के तो आप लेकिन 5 साल से अभी तक यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन आप पिछले जी का विकास हो रहा हम देख रहे हैं, यहाँ की गलियों में सड़कों में काफी विकास होता है, नाले भी बन रहे हैं, लेकिन ये धीरे काम नहीं चल रहा है, इसका क्या, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए 5 साल से पिछले 7 साल में पिछले 5 साल यहाँ भाजपा का विधायक होने की वजह से इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो सका। उसके बाद
कोरोना काल की वजह से पिछले डेढ़ पौने दो साल से कोरोना की वजह से जो फंड नहीं मिले थे, लेकिन हमारी विधानसभा को जनाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्पेशल फंड दिया है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हो ये रोड आज तक कभी नहीं पहली बार ये रोड बन रहा है, 25 फुटा बन रहा है, दयालपुर 33 फुटा पुराना 25 फुटा, ये सारे काम चल रहे हैं। लेकिन बीच में बेमौसम डेढ़ महीने की बारिश और अब एनजीटी की रोक की वजह से काम में थोड़ा सा स्लो है। अब ये काम बहुत तेजी से चलेंगे और एक बहुत बड़ी खुशखबरी मुश्किलाबाद आवाम के लिए है कि इनका जो स्कूल आज तक जो कोई नहीं बना सका था वो स्कूल एक आलिशान स्कूल की शक्ल में इसी महीने शुरू होने जा रहा है। उसको एक तरह से कैंट वाले स्कूल के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल है। आज तक कैंट में चलने वाला स्कूल ही आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल जी की वजह से वो स्कूल एक आलिशान बिल्डिंग में तब्दील होने जा रहा है। इसी महीने में उसका टेंडर वगैरह और काम शुरू हो जाएगा। आज जी एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी मैं आपसे, वो ये है कि अभी हमने देखा है कुछ नालों की कुछ जगहों पे हमने सर्वे भी किया हो और वीडियो बनाया, तो कुछ जगह पे मटेरियल बहुत सस्ता ही नहीं लगा है, उसका रोड़ी बाजार पूछ जो भी है मटेरियल और नालों की जो उपाय और जो नालों की जो दीवारें बन रही है वो उससे कच्ची ईंट का उपयोग किया जा रहा है, इसकी वजह बताएंगे आप। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपने जो सवाल करा आपका सवाल बेबुनियाद है, क्योंकि ईंटों का तो कोई नाले नहीं बनना, तो कच्ची ईंट का क्या? हम आपको दिखाएंगे, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। विधानसभा में मेरे इलाके में कोई भी नाला ईंटों का नहीं बन रहा है, RCC के नाले बन रहे हैं, तो जब ईंटों का इस्तेमाल ही नहीं है तो कच्ची पक्की कहाँ से आ गई? नाले की चिनाई ईंटों से कहीं भी नहीं हो सकती। ईदगाह 33 फुटा, ये 23 नंबर और ये हमारा 25 फुटा पल्ला 25 फुटा और ये दयालपुर 33 फुटा, ये सारे नाले RCC के हैं और RCC के नालों में ईंटों का इस्तेमाल नहीं होता। मैडम उस नाले की बात नहीं कर रही, जो यहाँ के नाले हैं बात कर रहे हैं, तो यहाँ से नाला चल रहा है, भविष्य बिहार के नाला चल रहा है। बिहार का नाला हमारे विधानसभा में नहीं है, और ये जो बाउंड्री जयतीनपुर की तरफ जो हो रही है ये एक जगह से दीवार गिर गई थी, पुरानी दीवार थी, इसलिए मैंने वो पूरी दीवार नहीं करवा दी। उसमें सामग्री रात भी मैं खुद जांच करके आया हूँ, रात को जाकर अगर कहीं भी कोई आपको लगती है कि वहाँ कोई कमी है तो आप उसका सैंपल करा के मुझे रिपोर्ट लाकर दिखा दो। मटेरियल अगर मटेरियल में कमी पाई जाएगी तो आपके सामने डेढ़ लाख को और सारे जितने भी अधिकारी है सबको सजा दी जाएगी।